हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो गाइस फटाफट से जाके वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन भी दबा दो। तो गाइस आज हम लोग बात करने हैं GTA 5 के सबसे मेन प्रॉब्लम के बारे में, जो कि लो एंड पीसी से रिलेटेड। बहुत से लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि भाई GTA 5 को लो एंड पीसी में कैसे खेलें, GTA 5 के लैग कैसे फिक्स करें, GTA 5 4GB रैम में कैसे खेलें, 2 GB में वो कोर 2 के अंदर GTA 5 को कैसे खेलें। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि हम अपने लो एंड पीसी के अंदर GTA 5 को कैसे खेल सकते हैं और अपनी गेम को इतना ज़्यादा हम लोग ऑप्टिमाइज़ करेंगे कि आपके लो एंड पीसी के अंदर आराम सुकून से गेम चल जाए। इसके अंदर हम लोग डिफरेंट तरह के मेथड्स ट्राई करेंगे और ग्राफिक्स ड्राइवर भी अपडेट करने का कहूँगा। तो जिन लोगों के पास टेक्सचर लॉस का इशू आता है, जिनके टेक्सचर बार बार रोड गायब हो रहे होते हैं, तो वो लोग भी फॉलो कर सकते हैं वीडियो को। यार यहाँ पर इस भाई ने कमेंट किया था कि भाई मुझे अपनी सेटिंग्स पे ट्यूटोरियल चाहिए। तो गाइस यहाँ पर मैं ये जो आप लोग स्क्रीन पर गेम प्ले देख रहे हो, ये मेरा खुद का रिकॉर्डेड गेम प्ले, और मैं आपको अपनी सेटिंग्स दिखा दूँ। ये मेरी ग्राफिक सेटिंग है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये रही रेजोल्यूशन, मैं यहाँ पर 720p रखता हूँ। और इसके अलावा नीचे आओ तो यहाँ पर ये मैंने शेडो क्वालिटी हाई रखी हुई है, रिफ्लेक्शन क्वालिटी अल्ट्रा रखी हुई है, और इसके अलावा वाटर क्वालिटी मैं वेरी हाई रखता हूँ। ये सेटिंग बिल्कुल बेस्ट रहती है, मुझे अच्छे खासे FPS मिल जाते हैं। तो यही है मेरी ग्राफिक सेटिंग। और बाकी यार जो लोग भी अपनी GTA 5 को लो एंड PC में चलाना चाहते हैं, जो कि नया हार्डवेयर बाय नहीं कर सकते, उसी पुराने PC में खेलना चाहते हैं GTA 5 को, तो वीडियो के साथ बंदे रहो और मैं आपको जो बताऊंगा उसको फॉलो करो। इंशाल्लाह आपकी गेम ज़रूर से ऑप्टिमाइज हो जाएगी और लो एंड PC में 30-40 FPS के अंदर चलेगी। तो वैसे भी हम लोग चलते हैं अपने डेस्कटॉप की तरफ और मैं आपको कुछ बताता हूँ मेथड्स वगैरह जिनको आपको फॉलो करना है। तो ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग अपने डेस्कटॉप की तरफ आ चुके हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने अपने कीबोर्ड के ऊपर विंडो प्लस आर प्रेस कर देना है और जो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा आप लोगों ने सिंपल उसको फॉलो करते जाना है, ताकि आप लोग बिल्कुल सही लोकेशन पे पहुंचो। तो यहाँ पर मैं मैग्नीफायर भी लगा देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल साफ साफ दिखे कि मैं टाइप क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ और यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर टाइप करना है temp temp। आप लोग जैसे ही टाइप करोगे तो आपके सामने एक फोल्डर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं पहले मैग्नीफायर से इसको छोटा कर दूं यहाँ पर। हाँ, ये आप लोग देख सकते हो, आपको यहाँ पर कुछ फाइल्स देखने को मिलेंगी। ये इन सबको आप लोगों ने क्या करना है, डिलीट कर देना है, सबको सिलेक्ट ऑल करके इन सबको डिलीट कर देना। ये फाइलें ऐसी पड़ी होती हैं, आपके PC की स्पीड स्लो करनी है, जो डिलीट है उन्हें कर देना, जो नहीं और ट्राई अगेन का करें उन्हें कैंसिल कर देना है। आप लोगों ने अब क्या करना है, दोबारा अपने कीबोर्ड पे विंडो प्लस आर का बटन प्रेस करना है और यहाँ पर आपको टैम तो लिखना है, लेकिन टैम के शुरू में और आखिर में परसेंट का साइन लगा देना है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पर जिस तरह लिख रहा हूँ आप लोग देख सकते हो, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से आप लोगों ने इसको टाइप करना है और यहाँ पर भी आप लोगों ने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर भी बहुत सारा कचरा देखने को मिलेगा, आप लोगों ने क्या करना है, सबको सिलेक्ट ऑल करना है और आप लोगों ने यहाँ से इसको कर देना है डिलीट। ये वो कचरा है जो आप लोग जाके वॉशरूम में निकालते हो, जो कंप्यूटर नहीं निकाल पाता, इसलिए हमें इसको खुद ही डिलीट करना पड़ता है। ये वो हमारा वेस्ट मटेरियल है कंप्यूटर का, तो ध्यान रखो कंप्यूटर को भी यार निकालने की जरूरत होती है, इसलिए अभी बार बार इसको डिलीट करते रहो। मैं इसको यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, जो फाइलें होंगी उन्हें डिलीट कर देना, बाकियों को छोड़ देना। यहाँ पर काफी सारी फाइलें डिलीट हो गई हैं क्योंकि सारी काम की नहीं थी, सारा कचरा था, कंप्यूटर का वेस्ट मटेरियल था। और फिर आप लोगों ने अपने कीबोर्ड के ऊपर विंडो प्लस आर जो है प्रेस करना है और अब आप लोगों ने यहाँ पर टाइप करना है prefetch PREFETCH। ये आप लोगों ने टाइप करना है, मैं आपको ये भी जूम करके दिखा देता हूँ, ये छोटे छोटे कमांड्स, इसलिए मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल सही सही टाइप करो। ये आप लोगों ने टाइप करना है और इसमें भी सेम प्रोसीजर आप लोगों ने करना है, इसको ओके करके आप फोल्डर मिल जाएगा, कंटिन्यू करना है और यहाँ पर भी आप लोगों ने सारी फाइल्स जो है सिलेक्ट ऑल करनी है और यहाँ से सबको कर देना है डिलीट इस तरीके से, सबको डिलीट कर देना है। जब आप लोग यहाँ तक कर दोगे तो आपकी स्पीड जो है PC की वो दोबारा से मेंटेन होना शुरू हो जाएगी, जो कि आपकी PC की नॉर्मली स्पीड होती है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप और अभी हम लोग चलते हैं अपने सेकेंड स्टेप की तरफ। तो ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग अपने स्टेप टू की तरफ आ चुके हैं। स्टेप टू में आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाना है और यहाँ से आप लोगों ने मेमोरी रीडर को डाउनलोड कर लेना है। ये एक मेमोरी का टूल है, जिससे क्या होगा आपकी जो रैम है वो फालतू चीज़ों से क्लीन अप हो जाएगी। यहाँ पर मैं इसको ऑन करता हूँ, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मेरी रैम जो है यहाँ पर
3.59 GB अवेलेबल है। और यहाँ पर भी मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल सामने सामने प्रूफ के साथ, यहाँ पर परफॉर्मेंस के अंदर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मेरी इतनी मेमोरी है। और अभी मैं यहाँ से जैसे ही क्लीन मेमोरी करूंगा तो आप लोग देख सकते हो मेरी मेमोरी जो है फ्री अप होना शुरू हो गई है, खाली हो रही, जितना भी फालतू का कचरा जो था मेमोरी में वो सारा खाली हो रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप 10-12 बार इसको मारे जा रहे हो, इससे क्या होगा आपकी विंडोज की फाइल डैमेज हो सकती है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसको एक ही बार मारो, तब मारो जब आप लोग गेम खेलने जा रहे हो। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर भी मेरी जो रैम है बिल्कुल फ्री हो चुकी है। पहले मैंने आपको 3.6 GB दिखाई दी, अभी आप लोग देख सकते हो 5.9 GB तक पहुंच गई है, 6 GB तक पहुंच गई। आप लोग देख सकते हो बिल्कुल जो है रैम मेरी खाली हो चुकी है फालतू कचरे से। और अभी आप लोगों ने क्या करना है, अपने सर्च बार पे यहाँ पर सर्च पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों ने टाइप करना है ग्राफिक सेटिंग। मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ ग्राफिक सेटिंग और यहाँ पर आपके सामने कुछ इस टाइप का आ जाएगा ग्राफिक सेटिंग नाम का। आप लोगों ने इसके अंदर चले जाना है, ये ओपन हो जाएगा यहाँ पर ग्राफिक सेटिंग्स का जो है। और यहाँ पर हमें जो है GTA 5 की एक सेटिंग करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ आगे। ये मैंने पहले से ऐड की हुई थी इसलिए मैं इसको ऐसे रिमूव कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। और अभी आप लोगों ने क्या करना है, ब्राउज पे क्लिक करना है, ब्राउज पे आप लोगों ने क्लिक करना है यहाँ पर। और आप लोग जैसे ही यहाँ पर आ जाओगे तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने GTA 5 के फोल्डर में चले जाना है। मैं GTA 5 के फोल्डर में चले जाता हूँ, ये मेरा GTA 5 का फोल्डर है जहाँ मेरी गेम इंस्टॉल्ड है और ये रहा मेरा GTA 5। अब आप लोगों ने क्या करना है, GTA 5 का जो मेन EXE है आप लोगों ने इसको ऐड कर लेना है और इसके साथ साथ आप लोगों ने अपना वो लॉन्चर ऑन कर ऐड कर लेना है जिससे आप लोग गेम को ऑन करते हो। अगर आप लोग GTA 5 लॉन्चर से गेम रन करते हो तो आप लोग इसको ऐड करो, अगर आप लोग प्ले GTA V से गेम को रन करते हो आप लोग इसको ऐड करो। मैं प्ले GTA V से करता हूँ तो मैं इसको ऐड करूंगा। और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये GTA 5 का मेन EXE है और ये प्ले GTA V है। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले GTA 5 पे क्लिक करना है, ऑप्शंस दिखेगा, ऑप्शंस में चले जाना है और यहाँ पर आपको एक दिखेगा हाई परफॉर्मेंस मोड, हाई परफॉर्मेंस पर चले जाना है। और यहाँ पर आपके नीचे ग्राफिक्स कार्ड का नाम लिखा होगा, अगर आपके पीसी में ग्राफिक कार्ड नहीं है तो भी इंटर HD ग्राफिक्स का नाम यहाँ पर लिखा आएगा। तो आप लोगों ने हाई परफॉर्मेंस पर करके इसको सेव कर देना है और सेम ही अपने लॉन्चर जो है हमारा प्ले GTA V इसके साथ भी आप लोगों ने ऑप्शन पे क्लिक करना है और हाई परफॉर्मेंस सेट करके आप लोगों ने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप लोगों ने इस विंडो को क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आप लोगों ने दोबारा सर्च बार पे क्लिक करना है, यहाँ पर आप लोगों ने टाइप करना है गेम मोड, यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है गेम मोड। आप लोग जैसे ही करोगे तो आपको एक मीटर टाइप का सिंबल दिखेगा, यहाँ पर एक सेटिंग दिखाएगा, आप लोगों ने इसके अंदर चले जाना है। जाने के बाद आपको जो गेम मोड है वो लाजमी ऑन होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके पीसी में जितना भी फालतू का एप्स और कचरा है ओपन है वो टोटल क्लोज हो जाएंगे और आपकी सारी पीसी की परफॉर्मेंस बूस्ट होकर गेम को मिलेगी। और ये सिर्फ GTA 5 के लिए नहीं, आप लोग टोटली हर गेम पे भी ये गेम मोड वर्क करेगा, आपकी टोटल गेम की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। इससे आप लोगों ने इसको लाजमी से ऑन रखना है। तो गाइस अभी हम लोग चलते हैं अपने Step 3 की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि स्टेप थ्री की तरफ। और गाइस मैं उन लोगों की बात करता हूँ जिन लोगों के पास कम से कम भी ग्राफिक्स कार्ड है, चाहे 512 MB का है या उससे कम का ग्राफिक्स कार्ड है, बस ग्राफिक्स कार्ड उनके पीसी में अगर लगा हुआ है AMD NVIDIA दोनों का, तो उन लोगों ने क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप लोगों ने दोनों में से किसी लिंक पे भी क्लिक करना है। अगर आप लोग AMD का ग्राफिक्स कार्ड यूज कर रहे हो तो आप लोग AMD की लिंक पे आ जाओ, NVIDIA का यूज कर रहे हो तो आप लोग NVIDIA की लिंक पे आके अपने जो है ग्राफिक्स का जो ड्राइवर है उनको लेटेस्ट करना है। बाज़ औक़ात क्या होता है, ग्राफिक ड्राइवर पुराने होते हैं, इस वजह से भी गेम लैग करती है और टेक्स्चर जो है लॉस होते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना अगर आप लोग AMD के ग्राफिक्स कार्ड को यूज करते हो, या आप लोगों ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से इसको डाउनलोड कर लेना है। ये ऑटो डिटेक्ट करके आपके ग्राफिक्स कार्ड के जो ड्राइवर है उनको लेटेस्ट इंस्टॉल कर देगा, बिल्कुल जो भी आपके पीसी में ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल होगा ये उसको ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। और अगर आप लोग NVIDIA का ग्राफिक्स कार्ड यूज करते हो तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने ग्राफिक्स कार्ड का जो है मॉडल यहाँ पर सेट करना है, जो भी आप लोग ग्राफिक्स कार्ड यूज कर रहे हो NVIDIA क्वाड्रो या फिर NVIDIA GeForce, आप लोगों ने इसको सेट करके आप लोगों ने ऐसे डाउनलोड कर लेना है और अपने NVIDIA ग्राफिक्स कार्ड के ड्राइवर को लेटेस्ट कर लेना है। वो जो मैं तीसरी चीज है वो है लो एंड पीसी के जो हम लोग गेम चला रहे हैं वो है लो एंड सेटिंग्स XML। ये मोड क्या करेगा, आपकी गेम की जो सेटिंग्स है उनको बिल्कुल लो कर देगा और आपके पीसी के लिए खेलने लायक बना देगा, और बाकी इतना ज्यादा लो भी नहीं करेगा कि गेम की क्वालिटी बिल्कुल ही घटिया हो जाए, बिल्कुल खेलने का दिल ही ना करे। स्क्रीन शॉट पे आप लोग देख पा रहे हो कि गेम कुछ आपको इस टाइप की देखने को मिलेगी, ये गेम के ग्राफिक्स हो जाएंगे, थोड़ी बहुत डल हो जाएगी, कांपती लकीरें आ जाएंगी, लेकिन बट खेलने लायक रहेगी। आप लोग GTA 5 को अपने कटिया लो एंड पोटैटो पीसी के अंदर एंजॉय कर सकते हो। आप लोगों ने इसको यहाँ से कर लेना डाउनलोड, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। इसको आप लोगों ने लाजमी करना है ताकि आप लोग अपने पीसी के अंदर GTA 5 को आराम से खेल सको।
यहाँ से आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है, और बाकी इन दोनों में से आप लोग लाजमी कर लेना अपने ग्राफिक्स कार्ड का ड्राइवर्स को। और बाकी जैसे ही आप लोगों की डाउनलोड हो जाएगी, क्या नाम है, लो एंड सेटिंग्स की, आप लोगों ने क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। आप लोग जैसे ही इसको ओपन करोगे आपको एक फोल्डर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर GTA 5 एक्सट्रीम लो सेटिंग्स का। आप लोगों ने इस फोल्डर में चले जाना है, स्क्रीनशॉट दिखेगा एक, और एक आपको दिखेगा सेटिंग्स नाम का। आप लोगों ने क्या करना है, सेटिंग्स को जो है बाहर निकाल लेना है। ये रहा सेटिंग्स, सेटिंग्स को आप लोगों ने बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद आप लोगों ने इसको कर देना है क्लोज। क्लोज करने के बाद आप लोग सेटिंग्स पर राइट क्लिक करो और इसको एडिट कर लो। आप लोग जैसे ही यहाँ पर एडिट करोगे तो आपके सामने जो है सारी की सारी सेटिंग्स खुल जाएगी। GTA 5 में जो भी सेटिंग्स जो है आपकी सेट हुई हुई है, आप लोगों ने क्या करना है, दूसरी साइड पे जो है आप लोगों ने जिस PC में चले जाना है, डॉक्यूमेंट्स में चले जाना है, डॉक्यूमेंट्स फोल्डर जो होते हैं ये वाला, डॉक्यूमेंट में जाना है। डॉक्यूमेंट में जाने के बाद आप लोगों ने चले जाना है रॉकस्टार गेम्स के फोल्डर में। रॉकस्टार गेम्स में जाना है, GTA V का फोल्डर दिखेगा, GTA V, आप लोगों ने GTA V के अंदर चले जाना है। और यहाँ पर भी आपको एक setting.xml देखने को मिलेगी। आप लोगों ने क्या करना है, इस सेटिंग को भी राइट क्लिक करके ओपन कर लेना है। ध्यान रखना है आपको, आपको याद होना चाहिए कि कौन सी सेटिंग आपकी ओरिजिनल है और कौन सी हमने डाउनलोड की है। आप लोगों ने क्या करना है, जो भी आपकी जो सेटिंग एग्जाम्पल है आप लोगों ने सारा जो है सिलेक्ट ऑल करना है। पूरा यहाँ से आपको सिलेक्ट ऑल करना है, नीचे अपने ग्राफिक्स कार्ड का नाम तक यहाँ तक आप लोगों ने सिलेक्ट ऑल करना है। बाकी जो है वीडियो कार्ड डिस्क्रिप्शन मेरे ग्राफिक्स कार्ड का नाम आ रहा है इसको छोड़ देना है। बस आप लोगों ने यहाँ तक सिलेक्ट ऑल करना है, उसको कर देना है, मिटा देना है, टोटल क्लियर कर देना है। और जो हमने डाउनलोड की है आप लोगों ने उसको ओपन करना है, जो हमने डाउनलोड की है XML, इसके अंदर सारी जो सेटिंग्स है आप लोगों ने इसको सिलेक्ट ऑल करना है। सिलेक्ट ऑल करने के बाद इसको भी यहाँ तक सिलेक्ट करना है जहाँ तक ग्राफिक्स कार्ड का नाम आ रहा है, यहाँ तक आप लोगों ने इसको सिलेक्ट करना है। और यहाँ से आप लोगों ने इसको कर लेना है कॉपी, और यहाँ पर जो हमारी डॉक्यूमेंट वाली setting.xml है आप लोगों ने यहाँ पर इसको कर देना है पेस्ट। आगे समझ में, जो हमने डाउनलोड किया है इस वाली setting.xml को यहाँ से कॉपी करना है, सारी रीडिंग को जितनी भी लिखी हुई है सेटिंग्स की, और यहाँ पर हमें इसको करना है पेस्ट। बस इतना सा हमें काम करना है। और यहाँ पर जो है हमारे सारे जितने भी स्टेप्स थे कंप्लीट हो चुके हैं, और अभी आपकी जो गेम है 30 से 40 FPS तक लाजमी जो है ऑप्टिमाइज होगी होगी। और मैं आपको गेम प्ले भी दिखा देता हूँ कि हमारी गेम कितनी ज़्यादा अच्छी चल रही है। अभी हम लोग चलते हैं अपने गेम प्ले की तरफ। तो ऑलराइट गाइस, हम अपने गेम प्ले की तरफ आ चुके हैं। अब सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने चले जाना है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में आने के पहले आप लोग जब अपनी setting.xml अप्लाई करोगे तो आपकी सेटिंग जो है काफी ज्यादा लो हो जाएगी। आप लोगों ने क्या करना है, अपनी गेम को और अच्छा खेलने के लिए आप लोगों ने रेजोल्यूशन को भी जो है यहाँ से 800x600 कर देना है, ताकि आपको और अच्छे FPS मिले। मैं यहाँ पर नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इतनी ज्यादा नीड नहीं है, लेकिन आप लोग लाजमी करना अगर आप लोग अपने लो एंड PC में गेम को स्मूथ खेलना चाहते हो। इससे आपको 30 से 40 FPS टच होंगे, इसलिए आप लोग 800x600 रख लेना। बाकी यहाँ पर आपकी जो गेम है मैं आपको गेम पे दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हो गेम पे काफी ज्यादा, मतलब थोड़ा बहुत डल हो चुका है, शेडोज वगैरह बंद हो गई है बाकी, लेकिन आपकी गेम जो है काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है। मुझे इस गेम के अंदर तकरीबन 30 से 40 FPS टच हो रहे हैं बिना रिकॉर्डिंग के। रिकॉर्डिंग के साथ तो मेरे FPS 25 और 30 पे जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग के बगैर मेरे 40-42 तक FPS जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हो गेम बिल्कुल टोटली स्मूथ हो चुकी है, थोड़ी बहुत डल हो गई है ग्राफिक्स, लेकिन लो एंड PC के लिए बिल्कुल बेस्ट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक आ रही है खेलने में। बाकी मैं आपको टाइम साइकिल के साथ भी दिखा देता हूँ, ये आप लोग देख सकते हो सुबह के टाइम पे, दिन के टाइम पे, मतलब इतनी ज़्यादा गेम बुरी नहीं लग रही है, गुजारे लायक है, बहुत मज़ा आएगा खेलने में। टाइम साइकिल में कोई चेंजेस नहीं हुए, बस थोड़े बहुत ग्राफिक्स में चेंजेस हुए, रिफ्लेक्शन में थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ आप लोगों को करना पड़ेगा। देख सकते हो टोटली स्मूथ हो चुकी है हमारी गेम। और अगर इतनी सेटिंग्स करने के बावजूद भी आपके PC के अंदर GTA 5 लैग कर रही है, तो बराए मेहरबानी आप लोग अपना PC का डब्बा उठाओ, उसको जला के सर्दी में हाथ गर्म करो, क्योंकि मैं तो क्या, कोई भी आपके PC में GTA 5 को नहीं चला पाएगा इसके बाद। हमने बहुत ज़्यादा एक हद तक लो करी है गेम के, हम लोग अपने लो एंड PC के अंदर गेम को खेल सके आराम से, एक हद तक लो कर दिया। अगर अभी आपके PC में नहीं चले तो जाके खर्चा करो, एक न्यू हार्डवेयर बाय कर लो। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, सब्सक्राइब करें बगैर मत जाना। मैं देखता हूँ आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देखते ज़रूर हैं, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोगों ने किए, तो यार सब्सक्राइब लाजमी करो, मैं बता रहा हूँ सब्सक्राइब लाजमी करो। तो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।